नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। माँ ही बन गई कातिल, 5 साल के बेटे को चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे फेंका। गुरुवार को तकरीबन शाम 3 बजे के करीब बेंगलुरु के एक एसआर नगर इलाके में एक महिला ने अपनी ही 4 साल की बेटी को अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे फेंक दिया। बच्ची को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। गुरुवार को तकरीबन शाम 3 बजे के करीब बेंगलुरु के एसआर नगर इलाके में एक महिला ने अपनी ही 4 साल की बेटी को अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे फेंक दिया। बच्ची को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले लगा कि यह एक हादसा है, क्योंकि जैसे ही बच्ची नीचे गिर गई तो महिला ने खुद भी नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो दिखा कि महिला ने खुद ही इस बच्ची को फेंक रही है और उसके बाद लोगों को देखकर खुद कूदने की प्रयत्न करने का दिखावा कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद महिला के पति ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर इस महिला को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी श्रीनिवास गोंडा ने बताया कि अभी तक जांच में पता चला है कि 4 साल की जीती गुंगी और बहरी थी, जिस वजह से उसकी मां सुषमा, जो कि डेंटिस्ट है, काफी परेशान थी और शायद इसीलिए उसने यह कदम उठाया। सुषमा के पति किरण की शिकायत पर हमने मां को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। माँ ही बन गई कातिल, 5 साल के बेटे को चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे फेंका। गुरुवार को तकरीबन शाम 3 बजे के करीब बेंगलुरु के एसआर नगर इलाके में एक महिला ने अपनी ही 4 साल की बेटी को अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे फेंक दिया। बच्ची को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। गुरुवार को तकरीबन करीब शाम 3 बजे के करीब बेंगलुरु के एसआर नगर इलाके में एक महिला ने अपनी 4 साल की बेटी को अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे फेंक दिया। बच्ची को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले लगा कि ये एक हादसा है, क्योंकि जैसे ही बच्ची नीचे गिर गई तो महिला ने खुद भी नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो देखा कि महिला ने खुद ही इस बच्ची को फेंक रही है और उसके बाद लोगों को देखकर खुद कूदने का प्रयास करने का दिखावा कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के सामने दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद महिला के पति ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु सेंट्रल डीसीपी श्रीनिवास गौड़ा ने बताया कि इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी श्रीनिवास गौड़ा ने बताया कि अभी तक जांच में पता चला है 4 साल की जीती गूंगी और बहरी थी, जिस वजह से उसकी मां सुषमा, जो कि डेंटिस्ट है, काफी परेशान थी और शायद इसीलिए उसने ये कदम उठाया। सुषमा के पति किरण की शिकायत पर हमने मां को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रहे हैं। किरण एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। पुलिस अब इस बात पर भी जांच कर रही है कि क्या सुषमा और किरण के बीच कोई अनबन थी, क्या सुषमा मानसिक रूप से ठीक है या नहीं, क्योंकि इस तरह से कोई माँ अपनी ही बेटी को कैसे मार सकती है। इस घटना से कॉलोनी में भय का माहौल है। हर कोई महिला की चर्चा, निर्दयता की चर्चा कर रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।